नो डाउट निकॉन तो अच्छा लेंस बनाता ही है, पर सिग्मा और टैमरॉन चना बेचता है क्या? चलिए दोस्तों ये सब छोड़ते और सीधा मुद्दे पे आते हैं। निकॉन के डीएक्स और क्रॉप सेंसर्स कैमरास जो है, जैसे कि D3500, 5600, 7500, ये सब कैमरास के लिए कौन कौन सा लेंस बेस्ट है? मैं ये जो वीडियो स्टार्ट करूंगा ये मैं लो रेंज से लेके मिड रेंज तक खींच के एंड करूंगा। हाँ, अगर आप लोग लाख रुपया फेंकोगे तो अच्छा लेंस तो आने वाला है ही, पर उसी तरह का सजेशन मैं नहीं देने वाला। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को माइंड सेट करना है कि हम लोगों को कौन से पर्पस के लिए लेंस चाहिए। अभी मल्टीपर्पस लेंस तो मार्केट पे मिलता ही है, पर मल्टीपर्पस लेंस का जो आउटपुट है, और आप एक पर्टिकुलर जैसे कि ओनली पोर्ट्रेट के लिए लेंस लेते हो, या फिर ओनली स्पोर्ट्स के लिए लेंस लेते हो, या फिर ओनली वाइल्ड लाइफ के लिए लेंस लेते हो, वो पर्टिकुलर जो लेंसेस होते हैं उसका आउटपुट मल्टीपर्पस लेंस से बेटर होता है। अगर आप एक ही लेंस से तरह तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क करना चाहते हो तो आप मल्टीपर्पस लेंस के साथ ही जाइए। अगर आपके पास बजट है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने डिजायर्ड सेक्शन के हिसाब से अलग अलग लेंस खरीदे, नहीं तो कोई एक अच्छा मल्टीपर्पस ही लेंस यूज कीजिए जो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो फर्स्ट यहाँ पे जो लेंस है मैं 10th नंबर से स्टार्ट करूंगा, वो है निकॉन AFP 1855, जो एक किट लेंस है और कैमरा के साथ ही आता है। ये सबसे बेसिक लेंस है जो एज ए किट लेंस कैमरा के साथ ही आता है, पर आप लोगों को मेन ध्यान रखना है कि ये एज ए मल्टीपर्पस लेंस लगभग सभी पार्ट में आप यूज तो कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत ओकेशनल वेडिंग हो, दोस्तों के साथ पार्टी हो, कोई ट्रैवलिंग हो, स्ट्रीट फोटोग्राफी हो, लैंडस्केप हो। मेन एडवांटेज इसका जो है वो है ये लाइट वेट है और ट्रैवलिंग फ्रेंडली है, तो इससे जो आउटपुट आता है लैंडस्केप का वो भी बहुत बढ़िया आता है। पर कुछ कुछ लोग इसको पोर्ट्रेट के लिए भी यूज़ करते हैं। अभी पोर्ट्रेट कैसे लेना है थोड़ा बहुत बैकग्राउंड ब्लर करके वो मैं आई बटन पे शेयर कर दूंगा, और कुछ दिन में वो वीडियो भी आप लोगों के साथ अपलोड कर दूंगा। पर उसके सिवा ये लेंस ओवरऑली मतलब आपको सीखने के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है, इससे आप लोग फोटोग्राफी को अच्छे से सीख सकते हैं। मेन डिसएडवांटेज जो है ये एज ए मल्टीपर्पस लेंस है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया पर्टिकुलर कोई भी सेक्शन में परफेक्ट नहीं है सिवाय लैंडस्केप को छोड़ के। तो अभी देख लेते हैं 9 नंबर पे क्या लेंस है। नंबर 9 पे जो लेंस है वो है निकॉन AFP 7300mm। ये एक बहुत ही वर्सेटाइल लेंस है। अगर ये लेंस आप लोगों को लेना है तो मैं सीधा एडवाइस दूंगा कि कैमरा के साथ ही ले लीजिए, मतलब 1855 प्लस 7300, क्योंकि बाद में अगर आप लोग लेना चाहेंगे तो उसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। अभी ये वर्सेटाइल लेंस क्यों है, क्योंकि इसके ज़रिए आप लोग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। सबसे बढ़िया जो आउटपुट देता है अगर आप लोग ट्रैवलिंग फोटोग्राफ्स लेते हैं तो, मतलब दूर का कोई भी फोटोग्राफ्स लेना हो बेझिझक लीजिए। मेन एडवांटेज जो है ये दोनों लेंस पे VR दिया हुआ है, और 300mm पे जूम करके फोटो खींचने के लिए आपको VR चाहिए ही चाहिए, तो ये लेंस आप लोग बेझिझक दिल खोल के ले लीजिए। अभी एक चीज़ ध्यान पे रखिए, लेंस लेते वक्त ये दोनों लेंस के ऊपर AFP मेंशन रहना चाहिए, ना कि AFS। AFS वो सब लेंस होते हैं जो सब पुराने कैमरास के साथ दिया जाता था, तो देखते टाइम AFP ज़रूर देख लीजिए। अभी और एक चीज़ ध्यान पे रखिए, इसका जो डिसएडवांटेज है वो है ये दूर के फोटोज़ लेने के लिए बना है, ना कि नज़दीकी फ़ोटोज़, सो आप लोग संभाल के लीजिएगा। अभी बिना कोई देरी के आगे बढ़ते, जो मेरा फर्स्ट लेंस खरीदा हुआ था वो है नंबर 8 पे। नंबर 8 पे जो है AFS DX 35mm f/1.8। ये जो लेंस है, ये लेंस खरीदने के बाद मेरा दिल खुश हो गया था, मुझे पता ही नहीं था कि ये इतना अच्छा आउटपुट दे सकता है। इसको लेने के बाद आप लोग सिटी फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, पोर्ट्रेट्स ले सकते हैं, क्लोजअप्स ले सकते हैं, दोस्तों के वेडिंग्स कवर कर सकते हैं, मतलब एक बहुत ही वर्सेटाइल लेंस है। इस लेंस के बारे में जितना बोलो उतना कम है, ये एक बहुत ही बढ़िया प्राइम लेंस है, और इसकी वजह से ही इसका जो शार्पनेस रहता है वो बहुत ही बढ़िया है। तो अगर ये लेंस लेने का मन है सोचिए मत, सीधा ले लीजिए। पर हाँ, आगे जो ऑप्शन है वो कुछ कुछ मैटर में ये लेंस को भी रिप्लेस कर देता है,
और मेरे साथ भी बाद में वही हुआ। मैंने पहले 35mm लिया था और बाद में उसको सेल कर दिया और नेक्स्ट जो 7 नंबर पे लेंस है उसको मैंने परचेस कर लिया था। तो सीधा आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर पे जो लेंस है वो है AFX 50mm 1.8G। भाई ये मतलब बनाई है पोर्ट्रेट के लिए। हाँ, इससे आप लोग बाकी काम भी कर सकते हैं, पर इसका जो शार्पनेस है, क्लैरिटी है, कलर है, अगर आप लोग 25,000 तक भी पैसा खर्चा करेंगे तो इसका जैसा शार्पनेस दूसरा कोई लेंस नहीं दे सकता। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट लेंस है। ये लेंस स्पेशली फुल फ्रेम के लिए बना था, तो ये 50mm फुल फ्रेम के हिसाब से। अगर ये लेंस आप लोग DX कैमरास पे यूज़ करते हैं, ये आप लोगों को लगभग 75mm के इक्विवेलेंट जैसा फोकल लेंथ देगा। उसके वजह से ये एक डिसएडवांटेज क्रिएट करता है कि कभी कभार छोटे जगहों पे फोटो खींचने के लिए आपको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा। अभी लास्ट ये दोनों लेंस के लिए मेन डिसएडवांटेज जो है, ये दोनों ही प्राइम लेंस है, पर इसका इस्तेमाल भी वही वैसा ही है। अगर आपको फोटो खींचना है तो खुद को आगे पीछे होना पड़ेगा, पर ये दोनों लेंस का शार्पनेस मार्केट पे बेस्ट है। तो अगर प्राइम लेंस लेना चाहते हैं, ये दोनों में से आप लोग कुछ भी चूज कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे जो लेंस है वो है निकोर AFP 10-20mm। ये लेंस एक बहुत ही बढ़िया क्रिएशन है लैंडस्केप फोटोग्राफर्स के लिए। इसका जो अनोखापन है वो है उसका वाइड एंगल कैपेबिलिटी। ये इतना वाइड तक कैप्चर कर सकता है कि लैंडस्केप फोटोग्राफर्स का दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है। और इसका डायनामिक रेंज भी जो रिप्रेजेंट होता है कैमरा में वो बहुत ही बढ़िया है। अभी इसका दो डिसएडवांटेज है, वो है ये लेंस कभी भी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए बनाई नहीं है, और दूसरा चीज़ जो है इसमें VR भी है। ये एक एडवांटेज तो है ही, पर वो VR को आप टर्न ऑफ नहीं कर सकते। मतलब अगर आप लोग कभी कभार लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफ्स लेना चाहते हैं तो वो केस में VR को ऑफ करना अच्छा रहता है, पर वो केस में आप बंद नहीं कर सकते। पर ओवरऑल ये लेंस बहुत ही बढ़िया है, स्पेशली लैंडस्केप फोटोग्राफर्स को तो लेना ही चाहिए जिसके पास DX यानी कि क्रॉप सेंसर्स कैमरास है। नंबर 5 पे जो है वो है AFS DX निकोर 40mm 2.8G। ये लेंस स्पेशली मैक्रो फोटोग्राफर्स के लिए बना है, पर ये लेंस का जो मेन एडवांटेज है उससे आप लोग पोर्ट्रेट फोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं, क्योंकि एपर्चर तो देखिए 2.8 है, जो कि एक बहुत ही वाइड एपर्चर आपको प्रोवाइड करता है। और अगर आप लोग क्लोजअप शॉट्स ले रहे हैं तो ये बहुत ही बढ़िया बोके मतलब बैकग्राउंड ब्लर क्रिएट करता है। अगर दूर से भी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये लेंस फोकस कर सकता है। सो पोर्ट्रेट फोटोग्राफ्स के लिए भी आप लोग ये ले सकते हैं, या फिर आप लोग मैक्रो फोटोग्राफ्स भी लेना है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अभी डिसएडवांटेज की बात करें तो ऐसा कोई डिसएडवांटेज ये लेंस पे है नहीं, पर बाकी सब प्राइम लेंस की तरह भी इसका जो डिसएडवांटेज है कि आप जूम नहीं कर सकते, जिसको मैं डिसएडवांटेज मानता नहीं हूँ। पर फिर भी आप लोग अगर एज ए बिगिनर ये लेंस खरीदना चाहते हैं तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि इसमें क्या फैसिलिटी है और क्या नहीं। अभी नंबर 4 पे है AFS DX निकोर 18-140mm। ये जो रिकॉर्डिंग है ना वो वही लेंस से हो रही है। अभी ये लेंस एक बहुत ही बढ़िया मल्टीपर्पस लेंस है। सीधी भाषा में बताएं तो ये 18-55 का बड़ा भाई है। ये मतलब आप लोग वाइड एंगल तो ले ही सकते हैं और दूर दूर तक फोटो भी लेना है। हाँ, 300mm जैसा दूर तो नहीं होता है, पर 140mm भी काफ़ी अच्छा है। तो इससे आप लोग वाइड भी फोटो ले सकते हैं और नैरो मतलब जूम करके भी दूर के फोटोज़ भी ले सकते हैं। मैक्सिमम फोटोग्राफर्स हैं जो लोग DX कैमरास यूज़ करते हैं वेडिंग्स में, वो लोग यही लेंस से फोटोग्राफी कवर करते हैं। इससे आप लोगों को कैंडिड भी लेना है तो वो भी ले सकते हैं। आप लोग दूर से किसी का कैंडिड मोमेंट कैप्चर कर सकते हैं। अगर इससे आपको पोर्ट्रेट भी लेना है तो फुल जूम करके भी ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आपको आउटपुट देगा। इसका शार्पनेस अच्छा है, इसका क्लैरिटी भी बहुत बढ़िया है, इसका जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो भी देखने लायक है। पर मेन डिसएडवांटेज जो है, ये लेंस काफ़ी हैवी है। इसके सिवा इसमें उतना कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ, ये प्राइम लेंस जैसा शार्प आउटपुट तो नहीं देता है पोर्ट्रेट में, पर जो आउटपुट देता है दैट इज ट्रिमेंडस। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जितने भी लेंस देखे हैं वो सब लगभग 20-25,000 तक के रेंज में हैं। पर ये ऐसा नहीं है कि पहले मैंने जो लेंसेज बताए वो सबके क्वालिटी लो है और बाद में जो बताए वो सबका क्वालिटी हाई है।
ये लेंसेस अलग अलग कैटेगरीज के लिए बना है। तो आप लोगों के सामने तो मैंने पेश कर ही दिया कि कौन सा लेंस कौन से कैटेगरी में बना है, और उतने बजट तक में वो सब लेंस अपने अपने जगह पे परफेक्ट है। पर आप और हमारे जैसे जनरल लोग तो यही सब लेंसेज ज़्यादा प्रेफर करेंगे, पर कोई कोई लोग ज़्यादा बजट भी रखते हैं, और उसके लिए जो जो लेंसेस है ये रेंज को मैं अभी लगभग 30,000 से 65,000 तक खींचूंगा, उसको मैंने नाम दिया है ड्रीम कैटेगरी। तो देख लेते हैं ड्रीम कैटेगरी में क्या क्या लेंस आता है। मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का बर्बाद नहीं करूँगा, जस्ट और 3 या 4 लेंस मेंशन करूँगा। देखिए अभी उससे भी ऊपर जाना है तो जा सकता है, पर हम तब मैं सजेस्ट करूँगा कि उसके साथ साथ आप लोग कैमरा भी अपग्रेड कर लीजिए। आप लोग फुल फ्रेम कैमरा पर जाइए, जिसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे लेंस में। उसके लेंस के लिए आप लोग 1,00,000 रुपया 2,00,000 रुपया ऐसे भी खर्चा कर सकते हैं। पर DX कैमरास के लिए, मतलब क्रॉप सेंसर्स के लिए, मैं प्रेफर करूँगा कि 60-65 के बजट तक जो सब ड्रीम लेंसेस है वो सबको भी आपके सामने पेश करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं नंबर 3 पे कौन है। नंबर 3 पे मैंने रखा है 2 लेंसेस को। फर्स्ट है सिग्मा 1750 f/2.8 और दूसरा है टैमरॉन 1750 f/2.8। दोनों एक दूसरे का कंपटीटर है, पर आप लोग ज़रा सोचिए, जूम फंक्शन के साथ f/2.8 का अपर्चर एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। जो अपर लेवल DX वेडिंग फोटोग्राफर्स होते हैं, मतलब क्रॉप सेंसर कैमरा यूज़ करते हैं, वो सभी लोग ये सिग्मा का जो लेंस है उसको प्रेफर करते हैं। हाँ, डिसएडवांटेज में ये आता है कि ये दोनों लेंस ही थोड़ा सा स्लो है निकॉन के मुकाबले, पर वो उतना ज़्यादा भी स्लो नहीं है कि आप लोग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफर्स खुद प्रेफर कर रहे हैं। तो ज़रा सोचिए उसका आउटपुट कैसा रहेगा। मैंने खुद चेक किया है, आउटपुट इज़ वेरी नाइस। अभी आगे बढ़ते हैं नंबर टू पे जो लेंस है वो है निकॉन 50mm 1.4G। मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते कि 1.4G बोले तो कितना वाइड है। मैंने जब शॉप पे ये लेंस को फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, मैं जो सेल्समैन था उनके तरफ फोकस किया था, मतलब नाक पे फोकस किया तो कन ब्लर हो रहा है। मतलब आप लोग सोचिए कि कितना ज़्यादा बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं ये लेंस फोटोग्राफी में। मतलब अगर आप लोग पोर्ट्रेट खींचना चाहते हैं तो ये सबका बाप है, पर सबका बाप इन द सेंस इसके ऊपर भी जो है वो नंबर 1 पे है। अभी इसका मैं अगर डिसएडवांटेज बताने के लिए जाऊँ तो भाई वो गोल्ड में इम्प्योरिटी ढूंढने वाला काम हो गया, जो मैं नहीं कर सकता। हाँ, एक चीज़ ध्यान पे रखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था, 50mm अगर आप लोग यूज़ करते हैं, मतलब वो DX कैमरास पे 75mm के इक्विवेलेंट फोकल लेंथ देता है, मतलब आप लोग को काफ़ी पीछे जाके फ़ोटो खींचना है। तो अभी इसको साइड पे करके हम लोग बढ़ते हैं नंबर वन पे जो है वो है AF-S निकॉन 85mm 1.8G। ये लेंस वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड शार्पेस्ट लेंस है मार्केट में। मतलब मैं जो बजट बता रहा हूँ उसमें, अगर बजट में लगभग 1,00,000 रुपया तक भी एक्सटेंड करता हूँ, इसका जो शार्पनेस है वो कोई दूसरा लेंस दे नहीं सकता। ये सबसे बेस्ट लेंस है पोर्ट्रेट फोटोग्राफ्स के लिए, ये सबसे बेस्ट लेंस है पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए, और जो बिग बजट शादी है वहाँ पे भी ये लेंस ज़रूर रहता है, क्योंकि ये जो आउटपुट देगा ऐसा आउटपुट कोई दे ही नहीं सकता भाई। ये लेंस तो FX के लिए बना है। अभी प्रॉब्लम वहीं पे आता है, अगर आप लोग इसको DX पे यूज़ करेंगे लगभग 127mm फोकल लेंथ का बराबर मिलेगा, मतलब आपको बहुत दूर से फोटो लेना पड़ेगा। पर आउटपुट जो है, मैं जितना भी लेंसेस का नाम लिया अभी तक, मतलब पीछे और भी 9 लेंसेस का, वो सबका बाप है। तो भाई अगर लेंस लेना है तो ये लेंस ले लीजिए, पर हाँ ज़रा सोच लीजिए कि इसके लिए आपको फ़ोटो खींचने के लिए इससे काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए, यही इसका एक डिसएडवांटेज है। इसके सिवा कुछ भी नहीं, मतलब क्लैरिटी कलर ये सब के बारे में तो कुछ भी नहीं। तो ये रहा दोस्त लोग 10 लेंसेस जो मैंने आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया। पर मेरे दिल पे और भी एक ड्रीम लेंस है जो इसको मैं 0th पोजीशन देना चाहूँगा, वो क्या है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। 0th पोजीशन में आज का फाइनल लेंस 1835mm f/1.8 by Sigma। भाई ये लेंस जो बना है ना, इसका करंट मार्केट पे कोई कंपटीटर है ही नहीं, कोई बोले तो कोई भी नहीं। हाँ, बजट बहुत हाई है, लगभग 60-65,000,
पर वो बजट के सामने सिग्मा ने ये जो लेंस बनाया, मतलब आप 18mm पे भी 1.8 पे फोटोज ले सकते हैं और 35mm पे भी 1.8 का मेंटेन रहता है। मतलब सोचिए जस्ट आउटपुट, ये आपको वाइड रेंज पे पूरा पोर्ट्रेट कैपेबिलिटी देता है। अगर 18 पे भी आप शार्प लेंस के फोटोज लेना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, अगर सामने से किसी का पोर्ट्रेट लेना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और 35mm जो पोर्ट्रेट का एक बहुत ही बढ़िया रेंज है वो तो कैपेबल है। अगर आप लोग मुझे बोलेंगे कि इसका डिसएडवांटेज बताइए बाकी सभी लेंसेज के जैसे बताएं, भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, ये लेंस का मैं नहीं बता सकता। अभी जो प्राइस है ये तो हाई है ही, करंट सिचुएशन को नज़र रखते हुए सभी लेंसेज का प्राइसेस मैंने जो भी मेंशन किया है वो सभी इधर उधर हो रहा है, और आप लोगों को पता है कि करंट मार्केट पे बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है नहीं, तो आप लोगों के सामने मैंने जितने भी सारे बेस्ट लेंस थे वो मैंने सभी लिस्ट डाउन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके वापस देख सकते हैं। अगर आप लोगों को जो भी अपने पर्पस के हिसाब से जो लेंस पसंद आता है वो आप लोग चूज़ कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप लोग खुद चूज़ नहीं कर पा रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर मेंशन कीजिए कि आपका पर्पस क्या है और बजट क्या है, तो उस हिसाब से मैं आपको लेंस चूज़ करके दूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अब फिर बाद में दूसरे कोई टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। हाँ, एक बात और, आप लोगों के दिल में कोई भी सजेशन हो, कोई भी कम्प्लीमेंट हो, अगर मैं कुछ मिस कर दिया है तो कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच, आगे ज़रूर मिलेंगे।